माँ के पास तो बेटा था, वो तो जी रही है, अगर मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया तो मेरा आगे क्या होगा? वो है भी माँ का भतीजा। माँ की इतनी नजरे करम क्यों है वैसे नुजरत पे? माँ नुजरत को फेवर करती है, राइट निकी? क्योंकि करती है क्योंकि उन्हीं की कॉपी है ना। मैं थोड़ा सा आप अगर नोटिस करें तो नुजरत इज मोर, उसका कैरेक्टर थोड़ा सा, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हैं माँ के साथ, पंजाबी एक्सेंट और ये और वो, लेकिन हाँ ये ज़्यादा करीब रही है। दूसरा ये कि आपने अपने भतीजे से शादी की है तो ये माँ को भी ब्लैकमेल करती है बीच में कि मैंने आपके भतीजे, हाँ आपने अपने भतीजे से कराई मेरी, क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं लिखाया, अपने भतीजे से कराई, अब भुगते दें पैसे, मैं तो बैठी हूँ, आपने मुझे नहीं पढ़ाया, आपने मुझे, मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, आपने अपने भतीजे से शादी करा दी, अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेरी वजह से नहीं। देखिए यू थिंक मुराद निकी, देखो फिर मैंने निकी बोला, मुझे इतनी आदत हो गई यार, बट अप्रिशिएट में कितना ड्रामे में इन्वॉल्व हूँ, ये देखिए आप लोग, थैंक यू, ये देखिए ये देखिए। आप लोगों को क्या लगता है कि मुराद वाकई फंसा हुआ है, बेचारा है, या वो बुजदिल है, हिम्मत नहीं है उसमें, या वो वाकई ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते फॉर व्हाट ही इज डूइंग? अच्छा अगर मैं एक भाई के नज़रिए से बोलूँ तो बेचारा फंसा है, और अगर मेरा खुद का शौर ऐसा होता तो मैं उसको कहती बुजदिल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है, कितना दो पॉइंट ऑफ व्यूज ये है ना? अगर मैं निगी की तरह देख रही हूँ तो वो बुजदिल नहीं है, वो बेचारा फंसा है, क्योंकि अम्मी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इकरा। लेकिन अगर मैं उस जगह होती असल में तो मैं बुजदिल कहती हूँ उसे, ये फ़र्क है। मैंने दोनों जवाब दे दिए, अब आपको जो भी लेना है आप वो ले लें। हाँ हमने मतलब इस प्ले में ना हर कैरेक्टर जस्टिफाइड है। माँ की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बेटा हाथ से निकल गया, उसकी शायद सारी इमोशनल डिपेंडेंसी बेटे पे है, और इमोशनल फाइनेंशियल, और फिर माशरे में आपको एक एक घर में एक मर्द है तो ये भी एक स्टेटस है आपका, कि इस घर अगर खाली औरतें हों तो शायद किराए पर घर ना मिले, वैसे तो इनका अपना घर है, बट जनरली हाउ वेमेन आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी और द वेमेन हैव बीन ट्रीटेड इन द सोसाइटी, ठीक है, तो उसका एक वो है प्राइड के मेरा एक बेटा है तो मुझे कोई कुछ नहीं, हाँ वो एक स्टेटस भी है आपका, ठीक है, तो उस वो अगर बेटा हाथ से निकल गया वो सारा वो ज़रा सा भी वो माँ किस को यूँ कर कि माँ माँ को देखते देखते यूँ भी करेगा तो वो इनसिक्योर हो जाएगी, ठीक है, वो डर जाएगी और फिर उसके रिएक्शन में उसके वही अगेन डिफेंसेस के वो हाउ कुड यू, तो वही उसका बेटियों पर भी है। आप लोगों को लगता है वुमेन औरतें हम लोग जो हैं वो बहुत दफ़ा मर्दों पे जो प्रेशर है उसको हम रियलाइज़ नहीं करते और अनकॉन्शियसली उस प्रेशर का हिस्सा बन जाते हैं? आप लोग अपने आसपास देखते हैं और स्पेशली ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप लोगों को अपने, आप लोगों ने कुछ सोचा, कुछ चेंज हुआ, या आप लोग ऑलरेडी चेंज थे? हम ऑलरेडी चेंज थे लेकिन हाँ ये शुरू से होता आ रहा है कि घर में एक कमाने वाला होता है, सब खाने वाले होते हैं, ठीक है, एक हमारे अगर कमा रहा है बाहर से, बाहर कम बाहर चला गया मुल्क से बाहर या अपने मुल्क में कमा रहा है तो बाकी तो सब यू नो बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जिनमें बाकी सब पैरासाइट्स बन जाते हैं, बहन का मियाँ भी नहीं कमा रहा, फलानी कज़न भी नहीं कमा रहा, वो कमा रहा है ना, चलो हमें भी दो हमें भी दो, ये मसला हो गया, किसी की कमेटी निकल आए तो सबकी प्रॉब्लम उसको पता चल जाती है कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा किसी का घर, आप अपना घर बेच के देखें, आपको पूरे ख़ानदान का, पूरे मोहल्लेदारों का सब प्रॉब्लम्स पता चल जाएगा। अब एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो जो हकदार है उनकी भी ले रहा है, जो जिनका नहीं बनता उनकी भी ले रहा है, तो सब लोग उसको उसका एडवांटेज भी लेते हैं, ठीक है। अब उसके लिए बहनें भी इम्पोर्टेंट हैं, उसके लिए माँ भी इम्पोर्टेंट है, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली अब्यूज़ हो रहा है। ऐसे अग्री, हम अपने मर्दों को इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, हम उनको उस पोजिशन पर भी ले जाते हैं जहाँ पर वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, या अगर वो फ्रीक आउट कर जाता है, कोई बड़ा स्टैंड लेता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको मजबूर कर रहे होते हैं। ऐसा होता है। आपने कुछ ऐड करना है सना इसमें? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे घर पे भी मेरे दो भाई हैं और वो लोग भी जॉब करते हैं, उनकी भी अपनी, लोगों को लगता है कि सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स हैं आजकल, जबकि आप ये अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि अगला भी अगर कहीं से आ रहा है तो किसी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, और हम सिर्फ अपना फीट करने के चक्कर में, मेरा ये प्रॉब्लम सुनो 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 सुनो, तो एक वक्त आता है जब इंसान बिल्कुल भर जाता है और सबकी अपनी टेंशन्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और आई थिंक हमें मर्दों का या लड़कों का हमारे घर में जितने भी हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए,
ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आए हैं तो उनको काम करना है, उनको संभालना है, उनको सपोर्ट करना है. ठीक है, ये चीज़ें हैं साथ में, लेकिन आप उनको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते उन चीज़ों पर. जितनी औरत काम करके थकती है उतना मर्द भी काम करके थकता है. हम थोड़ी देर काम करते हैं, कुछ होते हैं, अच्छा आप लोग तो करते ही हो काम. ऐसा नहीं होता. अगर आप बात करते हो कि मर्द और औरत आजकल जो है कि बराबर हैं, तो फिर मर्द को उस तरह आप ट्रीट भी करो ना बराबर. आप बाकी चीज़ों में अपने आप को उनसे ऊपर समझते हो या उनसे नीचे समझते हो, तो इस चीज़ में अपने बराबर क्यों नहीं समझते हो आप? सना, आपके इर्द गिर्द जो कॉन्वर्सेशन हो रही हैं आजकल, जो थोड़ी यंगर जनरेशन है, क्या औरतों और मर्दों के जो मसले मसाइल हैं उन पे इक्वल अब अटेंशन दी जा रही है, या अभी भी हम औरतों को ज़्यादा मजलूम समझ के उनके इश्यूज पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं? दोनों है आजकल. क्या वाकई व्हाट मेन गो थ्रू, डू वी रियली पे अटेंशन टू इट? बिकॉज अभी भी जैसे जब मैं मन्नत मुराद भी देखती हूँ तो मुझे लगता है बहुत दफ़ा हम मुराद के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं. मुझे जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रखती है, मैं ये नहीं कह रही कि मुराद हमेशा सही है या मुराद जो कर रहा है वो सही है, बट आई डू द ड्रामा हिट्स मी दैट मर्दों पे कितना प्रेशर है. लाइक मुराद जैसे मर्द पे कितना प्रेशर है फ्रॉम हिज वाइफ एंड फ्रॉम हिज मदर, मोर फ्रॉम हिज मदर एंड हिज सिस्टर्स. और हम इस उसमें ओ यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने करना ही है, एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर अ मैन. हम भूल जाते हैं कि कितनी देर तक वो ये प्रेशर ले पाएंगे, कहाँ उनकी बस हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा. पहले मुझे लगता था कि और जब मेरे साथ बहुत सारा, मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरी, तो मुझे लगता था औरतें मजलूम, औरतें मजलूम, औरतें मजलूम. फिर जब मैं देखती हूँ, पता है क्या होता है हमारी सोसाइटी में एट दिस एज, जो मेरी भी एक इस एज में आपकी बड़ी लंबी जर्नी हो चुकी होती है ना, यू नो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मजलूम ना औरत है, मजलूम ना मर्द है, मजलूम जालिम ना औरत है, जालिम ना मर्द है. ठीक है, जालिम औरत भी हो सकती है, जालिम मर्द भी हो सकता है. कुछ केसेस में मर्द औरतें मर्द के साथ इतना इतना बुरा कर रही हैं, कुछ ज़्यादा केसेस में मर्द औरत के साथ बहुत बहुत बुरा कर रहे हैं. ठीक है, तो जालिम होना या मजलूम होना कैन कम फ्रॉम बोथ एंड्स. ठीक है, और मुराद के केस में, मुराद एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है. बहुत सारे ब्लॉगर्स ये भी कह रहे हैं कि स्पाइनलेस कैरेक्टर और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आप उसकी पोजीशन को समझें. एक बच्चे को पाला माने है, ठीक है, आप छोटी एज में जो चीज़ फीड कर देंगे वो वही बन जाएगा, आपकी जड़ों में बैठ जाती है वो चीज़ जो उस एज में. अब माँ ने पाला है, माँ का एक बड़ा रुतबा है, कैसे वो माँ को के आगे खड़ा होकर जवाब देते, उसको पता है लड़ाई कर लेगा, लेकिन जब माँ हर्ट होगी तो वो क्या करेगा. वो ही, दिस इज़ नॉट बींग स्पाइनलेस, दिस इज़ बींग केयरिंग, कि वो अगली के इमोशंस का ख्याल रख रहा है कि मेरी वजह से मेरी माँ हर्ट होगी तो मेरी माँ का मेरे अलावा है कौन. ही इज़ बींग रिस्पॉन्सिबल.